चैनल। सो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ निविया का न्यूली लॉन्च फेस वॉश। सो जब भी निविया प्रोडक्ट्स की बात की जाती है तो मुझे निविया के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। बॉडी लोशन, बॉडी वॉश, क्रीम्स बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। तो जब निविया ने लॉन्च किया एक फेस वॉश तो ट्राई करना तो बनता ही था। सो निविया ने लॉन्च किया है एक निविया का फेस वॉश जो कि स्पेशली मिल्क डिलाइट है, मतलब कि ये इसमें मिल्क जो है एक प्रोडक्ट है वो कॉमन है। इसके अलावा ये आया है चार वेरियंट में। सबसे पहला है ग्रैमफ्लोर, दैट इज बेसन, उसके अलावा हनी, रोज वाटर और सेफ्रॉन भी अवेलेबल है। मैंने ये इसलिए चुना है क्योंकि आई लव बेसन। बेसन से क्या होता है, नेचुरली हमारी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और ये दिस वन, ये जो था, ये वाला जो था वो स्पेशली फॉर ऑयली स्किन था। तो मेरे जो टी जोन है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है एंड समटाइम ड्राई है। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कॉम्बिनेशन स्किन मे बी। सो ये प्रोडक्ट मुझे लगा कि ओके लेट्स ट्राई, बट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है यहाँ पे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इसकी पैकेजिंग कैसी है एंड ऑल। सो जो पैकेजिंग की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। इस तरह के ड्रॉप, वाटर ड्रॉप जो होती है उस शेप में है एंड आई रियली लव इट। ये छोटा वाला पैक सिर्फ 85 रुपीज़ का है। ट्रायल के लिए मैंने ये छोटा ही मंगवाया, देखना चाहती थी कि अच्छा लगता है कि नहीं, बट श्योर आई लाइक इट। इसकी पैकेजिंग है प्लास्टिक पैकेजिंग एंड जो इसका कैप है वो इस तरीके से ओपन होता है, थोड़ा सा मैसी हो गया बिकॉज आई एम ऑलरेडी यूजिंग इट। ट्रेवल फ्रेंडली, अगर इसका कैप बंद है तो ये ट्रेवल फ्रेंडली है, पर अगर कैप गलती से खुल गया तो आपका पर्स पूरा ख़राब हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लिक्विडी है। इट्स अ लिक्विडी मिल्की टाइप ऑफ प्रोडक्ट। सो जो प्रोडक्ट है फेस वॉश वो है एकदम लिक्विड वाइट कलर का। जब अप्लाई करने की बात की जाए तो मुझे लगा था बहुत ज़्यादा मुझे यूज़ करना पड़ेगा, पर क्वांटिटी बहुत कम लो और बहुत ज़्यादा इससे झाग बनता है। सो दैट इज़ वेरी नाइस, जो मुझे सबसे पहले पसंद आई इसकी क्वालिटी। सो इसको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ईजी है, थोड़ी सी क्वान्टिटी में हाथ में लो, फेस को गीला करो, उसके बाद अच्छे से घिस के इसे लगाओ। ज़्यादातर होता ये है कि जब भी मैं कोई फेस वॉश या साबुन तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, जब भी कोई फेस वॉश यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन है उसको तुरंत मुझे मॉइस्चराइज करना पड़ता है, मैं रह नहीं सकती। लेकिन जब मैंने इसे अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो गई एंड काफ़ी 5-10 मिनट्स तक वो सॉफ्ट ही थी, बट आफ्टर दैट ऑब्वियसली मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया। सो ये एक जो चीज़ है वो मुझे किसी भी फेस वॉश में अभी तक नहीं दिखी थी। मैंने यूज़ किया हिमालया, क्लियर एंड क्लियर, ये दोनों फेस वॉश बहुत अच्छे। इवन स्टिल आई एम यूजिंग क्लियर एंड क्लियर दैट लेमन वाला फेस वॉश, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन उसके साथ मैं अब ये वाला भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है एंड या आई रियली लव दिस प्रोडक्ट। लाइक निविया ने ये जो प्रोडक्ट दिया है इट्स वेरी नाइस। अब बात कर लेते हैं कि कुछ क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसको यूज़ करने का। सो जैसे एक दो दिन मैंने ट्राई किया तो मुझे ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं दिया। खुशबू बहुत अच्छी थी, यूज़ करने में इजी था, थोड़ा सा यूज़ करो काफ़ी टाइम तक झाग बना देता था। यूज़ करने के बाद स्किन काफ़ी सॉफ्ट हुई, बट 3 से 4 दिन बाद जब मैंने स्किन को देखा तो मेरी स्किन सच में इम्प्रूव हो रही है। देखो तो सबसे पहले इसमें बेसन है और दूध है, मिल्क एंड बेसन, ये दो प्रोडक्ट तो वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर मुझे इम्पैक्ट इफ़ेक्ट दिखा है स्किन में और ऑब्वियसली मेरी स्किन पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। मैं इसको कम से कम 1 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ एंड आई रियली लव दिस प्रोडक्ट। तो ये निविया का जो फेस वॉश है वो दावा करता है कि ये क्लिंजर है एंड रिमूव एक्सेस ऑयल फॉर हेल्दी लुकिंग स्किन। यस आई डू बिलीव, बिकॉज इसको यूज़ करने के बाद मेरी स्किन हेल्दी लुकिंग ज़रूर दिखी है। दूसरी अच्छी बात है इस फेस वॉश की कि ये सोप फ्री है, आई मीन इसमें कोई भी सोप इंक्लूड नहीं करी है, सो दैट इज़ गुड। प्रॉन्स एंड क्रॉन्स की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा प्रॉन ये है कि बहुत कम प्रोडक्ट आपको काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। तो दूसरी चीज़, यूज़ करने के बाद स्किन में इम्प्रूवमेंट है, सॉफ्ट होती है स्किन। ड्रॉबैक में सिर्फ एक बोलूँगी कि अगर आप इसे ट्रैवलिंग पे ले जाते हो कहीं पे और ये आपके बैग में खुल जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा लिक्विडी है, दैट्स इट। बाकी मुझे सारी चीज़ें इसकी पसंद है, इसकी स्मेल, इसका टेक्सचर, यूसेज, इम्पैक्ट, इफेक्ट, एवरी थिंग इज सो ब्यूटिफुल। सो कमेंट बिलो अगर आप ये अप्लाई करने वाले हो अपने फेस पे या ट्राई करने वाले हो ये प्रोडक्ट एंड मुझे बताओ कि आपके लिए ये प्रोडक्ट ने कैसा काम किया है। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस लाइक दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।